चलिए बढ़ते आएंगे उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव वीडियो, फंसे हुए 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आई है, न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप देख सकते हैं। और सिलक्यारा टनल में इस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच गए। फंसे हुए 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन अब और भी ज्यादा गति से किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो पाइप है जिसको ड्रिल किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ड्रिल करके उस पाइप को वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तकरीबन 50 मीटर तक जो है वो पाइप पहुंच चुका है और अब बस थोड़ा समय शेष है जब उन तमाम लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वो सभी लोग सुरक्षित हैं, लंबे वक्त से फंसे हुए हैं और ऑपरेशन जो है वो जारी है। डिब्री के अंदर मालूम नहीं हो रहा था कि कहां कहां इस तरह के अड़पने अड़चन हैं। एंड प्रोग्रेस वॉज देन सब्सिक्वेंटली मेड टू रिमूव दिस अगेन विद गैस कटर्स, इट टोक अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद जब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू होने वाला था, इट वॉज डिस्कवर्ड के जो पाइप 6-6 मीटर के पाइप जो लग रहे हैं उनमें से जो आखिरी पाइप है उसके अंदर एक बेंड आ गया है और उस बेंड के वजह से शायद ऑगर नहीं जा पाएगा अंदर आसानी से, तो ऑगर को वापस बाहर निकालना पड़ा, उस पाइप को उतना हिस्सा पाइप का काटना पड़ा। ये इसी में रात भर लग गई, काटना पड़ा। साथ में क्योंकि ऑगर पे इतना जोर पड़ा था तो उसका जो बेस था जिसके ऊपर वो माउंटेड है उस बेस के ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ा कि उसके नट बोल्ट जो थी, जो कप उसके ऊपर जो सीटिंग थी वो निकल गई एंड इट हैड टू बी रीसेट। अब आप समझ सकते हैं कि सीमेंटिंग के साथ इसको रीसेट करना पड़ता है, नट्स एंड बोल्ट्स बड़े लगाने पड़ते हैं, उनको टाइट करना पड़ता है मशीन के जरिए। तो क्विक ड्राइंग सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्मली सीमेंट के साथ अगर हम लगाएं बेस तो आपको वक्त लगेगा उस बेस को कॉन्क्रिटाइज, मतलब अच्छी तरह से सेट करने के लिए। मगर सब जितने आले इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इस्तेमाल किया ताकि इट कैन बी सेट क्विकली एंड माउंटिंग हैज बीन मेड अगेन, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। उम्मीद है कि अभी पुशिंग हो रही है, पाइप्स की पुशिंग हो रही है, आगे जो पाइप्स को हटाया था उस पाइप्स की पुशिंग हो रही है एंड वी होप दैट थोड़ी देर के बाद अगर ये सब ठीक रहा तो ऑगर का काम दोबारा शुरू हो जाएगा। जो अच्छी खबर है, वेल्डिंग कहां पर? हाँ ओके, दो घंटे के बाद वेल्डिंग, उसकी जो पाइप्स के जो वेल्डिंग है वो कर रहे हैं और उसके बाद उसकी पुशिंग होगी और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। अच्छी बात तो ये है, खबर तो ये है कि वहां पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया, पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की, इनटू द सॉयल। उससे यह साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी जिस तरह से ये स्टील पाइप गर्डर, आयरन गर्डर ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। तो उम्मीद है कि The movement of the auger will be, of course, done very, very deliberately. मगर उम्मीद यह है कि it will be smooth 5 मीटर तक और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टू डिटर्मिन कि और कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आगे आ रहा है। सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट, बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मगर जैसे मैं आपको पूरे वक्त कहते आया हूं कि इसमें पहचान हम सब की होनी चाहिए कि यह बहुत ही टेक्निकल चीज है, बहुत डेलिबरेट ऑपरेशन चल रहा है, एक गुंजाइश कहीं हो उससे जो है काफी चीजें अपसेट हो जाती हैं, तो वही बात आ जाती है कि आप टाइमलाइंस जो है
उनके ऊपर कंट्रोल रखें, उनकी खबर के बारे में कंट्रोल रखें, ब्रेकिंग न्यूज देकर के अभी होने ही वाला है, ब्रेक थ्रू होने ही वाला है, उससे फिर वही गलत फहमियां होती हैं पब्लिक परसेप्शन में। ये बात मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। अगली चीज, बिफोर कमिंग बैक टू एनीथिंग एल्स टू डू विद द टनल, मैं चाहता हूं कि अभी तक दो या तीन दिन में हमने मेंशन नहीं किया है कि ये जो अगले जो चार अल्टरनेटिव्स हमारे और हैं जिन पे अभी काम पूरी तरह से नहीं शुरू हुआ है, एक तरफ से शुरू हुआ था उसको भी कुछ हद तक रोका है, इसके लिए इक्विपमेंट आ रहा है, बहुत सा इक्विपमेंट उसके ऊपर उसके लिए आ रहा है जगह जगह से। अब टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू के जो ये काम है ये सिर्फ अकेले एक दो तीन चार एजेंसी नहीं कर रही है, ये पूरी सरकार के हर एजेंसी लगी हुई है इसके अंदर। आई वॉन्ट टू प्रूव टू यू के अब राज्य सरकार भी इसके अंदर कितने जोर शोर के साथ शामिल हुई है, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, इधर से आप देखें तो गुजरात से इक्विपमेंट गुजरात से आया है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से जा रहा है यूपी के अंदर और फिर उत्तराखंड। भारी इक्विपमेंट, फ्लैट बेड बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर, हर जगह जहां रात भर लोग जागे हैं, कोऑर्डिनेट किया है लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ, स्टेट अथॉरिटीज के साथ कि ग्रीन कॉरिडोर मिले इनको। आपको मालूम है कि रात के वक्त अगर नेशनल हाईवेज पर किस तरह की ट्रैफिक होती है, अगर वो ग्रीन कॉरिडोर ना मिले तो अरसा जो है द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट विल टेक विल बी ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड और फोर टाइम्स। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया है और हर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है यू हैव फाउंड ग्रेट कोऑपरेशन, ग्रेट सेंस ऑफ कमिटमेंट द होल नाइट। दिस इज व्हाट इज प्रूविंग दैट दिस ऑपरेशन मोर देन एनीथिंग एल्स इज ऑल ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन, ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इज बीइंग अडॉप्टेड हियर। टू रिपीट इट अगेन, फ्रॉम द पीएमओ टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू द एनडीएमए, एवरी वन इज इन्वॉल्व्ड in coordinating and ensuring some in by any means we must get these brave men out. Now as far as the site is concerned, yahan par again coming back to the tunnel site again, on the social side of it jo andar hain 41 laborers workers unki suvidhaon ke liye aap dekh rahe hain ki kafi reports aa rahi hain, रिश्तेदारों ने बात कर ली है, तकरीबन सभी रिश्तेदारों ने बात कर ली है अंदर, वो अब टेलीविजन पर भी कुछ चैनल्स के ऊपर भी उन्होंने बात की है कि अंदर से खबर आई है कि लोग अब नहा रहे हैं, उनके पास टॉयलेटरीज भी हैं और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। यहां तक कि कुछ खबरें भी आ रही थी एक वक्त कि कुछ रिक्रिएशनल की चीजें भी उनके अंदर वहां पर भेजी हैं। ये सब उनकी मानसिक मोराल मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए करा जा रहा है। हर अल्टरनेटिव को देखकर, हर ऑप्शन को देखकर कि किसी हालत में अगर ये एलोंगेट हुआ, तीन दिन, चार दिन, सात दिन, दस दिन आगे बढ़ा, तो किसी हर हालत में इनको तैयार रहना चाहिए, उस उनके पास स्टैमिना होना चाहिए इस पूरे वक्त के लिए, इसको सहने के लिए, इस चीज के लिए। एनडीआरएफ ने जो तैयारियां की हैं और एक वीडियो बहुत अच्छा भी जा रहा है, घूम रहा है, पूरा सर्कुलेट हो रहा है मीडिया पे, वे दे आर शोइंग अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए स्ट्रेचर विद व्हील्स और कैसे उसको खींचा जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान अंदर गए हैं टनल के अंदर, ये पाइपलाइन के अंदर, उन्होंने अपनी काबिलियत देखी है, अपना ओरिएंटेशन किया है। जरूरी नहीं कि हर इंसान जो सिपाही हो या पुलिसमैन हो वो अंदर जाकर उसका क्या रिस्पॉन्स और क्या रिएक्शन होगा कोई कह नहीं सकता है। बहुत दफे क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है वो बन जाता है और इसलिए आदमी बौखलाने लगता है उसके अंदर। सो दे हैव डन दिस प्रैक्टिस अ कपल ऑफ टाइम्स गोइंग इन एंड आउट, एंड कोई लगता तो नहीं कि इसके अंदर कोई अड़चन बाद में आएगी। वंस वी आर रेडी फॉर द इवैक्यूएशन एफर्ट, जिसमें सबसे पहले एक पैरामेडिक को भी भेजा जाएगा अंदर,
जो डिटरमिन करेगा कि उनकी क्या काबिलियत है, उनके पास क्या, उनकी स्टेट ऑफ इमीडिएट स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे मे डिसर्न एंड प्रायोरिटाइज कि किसको पहले भेजना है, किसको आखिर में भेजना है। तो मेरे ख्याल में अभी द डिस्टेंस टू कवर इज अ मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबली 15 मीटर्स। वो अभी हमारे चीफ टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे इसके बारे में, चौहान साहब, और ये भी बताएंगे, विच आई एम री एनफोर्सिंग, कि वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन द फर्दर प्रोग्रेस। शुरू में तब भी काफी जल्दबाजी के साथ काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ था, क्योंकि उस मलबे के अंदर, डबरी के अंदर उस तरह की अर्पण नहीं मिली थी, बट नाउ इफ वी हैव टू इनकाउंटर मोर ऑफ इट, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू मेक श्योर दैट ये ऑगर की मशीन जो है, विच आई एम टोल्ड इज बीन प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी कॉल्ड Trenchless, they are the people, Trenchless, who are provided this auger machine, which has been the workforce of this entire operation. अगर आप देखें इस पूरे operation में ये machines जो हैं auger, it has been the most successful so far, and we don't want it to get damaged in any way. Very, very deliberately, it will continue to be used. Union Minister General V.K. Singh साहब वहाँ जा चुके हैं, कल आपने उन्हें देखा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर धामी साहब के भी वहां से उन्होंने बातचीत की कुछ लोगों के साथ अंदर, जिससे कि बहुत मोटिवेशन मुराल वहां पर बढ़ा है। भास्कर खुलबे साहब जो हैं, पुराने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो थे यहां से, वो भी अभी वहां पर हैं, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो निगरानी जो है उसकी कोई कमी नहीं है, लॉट्स ऑफ ऑफिशियल्स, हाईएस्ट ऑफिशियल्स आर ऑल देयर कैरिंग आउट दिस थिंग एंड carrying out confidence building all the time. The foreign consultants continue to remain there. Do teen dafe wo television pe bhi aaye hain, bahut achhi uski imagery hui hai, ki it has created a more sense of confidence in everyone. I will hand over to Chauhan saab if he wishes to say anything, otherwise after that I will be ready to take questions. The last bit I may just say that once again reinforcing ke health ke liye पोस्ट इवैक्यूएशन की कार्रवाई जो है उसके लिए सब कुछ जो कल बताया था, एवरीथिंग इज इन प्लेस, री एनफोर्स्ड, एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स, साइको सोशल स्पेशलिस्ट, एम्स इन ऋषिकेश इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम, ऑल दैट बंदोबस्त हैज ऑल बीन क्रिएटेड। ओवर टू यू जॉन साहब। थैंक यू सर। सर जैसे कल आपने कहा था कि सुरक्षा जो है, तो अंधेरी सुरंग से जिंदगी की किरण निकलेगी, और सरकार की हर एजेंसी ऑपरेशन में शामिल है। एनडीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, और किस तरीके से एनडीआरएफ के जवान भी टनल के अंदर गए ऐसा उन्होंने बताया है। तो एक और बड़ी खबर, सिलक्यारा टनल पहुंचे।